जी बस बस 2 मिनट बोले आप लोग इसलिए जूता दिखाने की कोशिश जो है पूरी तरह से राजभवन की सभी विधायक पहुंचे आप लोग इसमें खुश और नाखुश क्या बात है ब्रेक था ब्रेक खत्म हुआ वापस लौटे मजबूती के साथ लौटे तो विपक्ष अभी से ही मुद्दा बना रही है उनका कहना है कि 5 महीने के लिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया और एक बार फिर से हेमंत सोरेन बनाया नहीं परिस्थितियां ऐसी थी सिचुएशन ऐसा था क्राइसिस था उसमें बने थे उनका कहना कि परिवार से बाहर किसी मुख्यमंत्री बनते तो क्यों मुख्यमंत्री जी मान लीजिए जब सिचुएशन था तो परिवार को बना सकते थे मुख्यमंत्री कल्पना भाभी को बना सकते थे मुख्यमंत्री चंपीता को बनाया ना भाई तो परिवार बात कैसे हो गया कोई इतना बड़ा दिल दिखा दिया अब उसको आप लोग बोलते हैं मैनेज करने की बात कर रहे हैं तो भाजपा कह रही भाजपा कौन होती है बोले वाले ये मेरे परिवार का मामला है हम लोग समझेंगे चलिए मंत्रिमंडल में आप शामिल हो ये तो बात की बात है चलिए ये तो बात की बात है चलिए इसको रिकॉर्ड ले लेगा चलिए बाहर निकले हैं और भी जो मंत्री हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लगातार बात करने की और उनकी प्रतिक्रिया लेने की इरफान अंसारी थे इससे पहले अम्बा जी तो ये अम्बा प्रसाद थी बड़का गांव की विधायक लगातार जो विधायक अंदर थे अब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और लगातार हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है उनका है इरफान अंसारी को आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा उन्होंने कहा कि जब हेमंत सोरेन थे और उसके बाद हेमंत सोरेन ने अपनी कमान जो है सौंपा था चंपई सोरेन को और एक बार फिर से जब हेमंत सोरेन आ गए हैं तो उन्होंने कमान ले लिया है और उन्होंने अपना नेतृत्व जो है उन्हें सौंपा था तो जब वो वापस आ गए हैं तो एक बार फिर से अपना नेतृत्व को जो है वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं तो लगातार जो है लोग हैं वो पहुंचे हुए थे तमाम जो मंत्री थे तत्कालीन विधायक थे वो सब पहुंचे हुए थे कल संभवतः जो है शपथ ग्रहण हो सकता है तमाम जो मंत्री जो पहले थे उनमें से बहुत सारे जो चेहरे हैं वो रिपीट होते हुए नज़र आएंगे लेकिन बहुत सारे जो चेहरे हैं वो नए नज़र आ सकते हैं बस फर्क ये हो जाएगा कि पिछली बार जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चंपई सोरेन थे और अभी जो शपथ ग्रहण होगा उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा पूर्व सीएम हेमंत सोरेन होंगे न्यूज बाइस्कोप के लिए कारूप सराज बलम के साथ नीरज कुमार रांची एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं और यही नहीं यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन एक्सेंचर जेपी मॉर्गन और जेपीटी टीसीएस विप्रो आईटीसी फेडरल बैंक हिंदुस्तान यूनिलेवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है